तो बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छी गेम नहीं है, इसको तो बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। बंदा ना दूर होने लग जाता है सबसे, वो उसको बस एक पबजी ही दिखाई देता है, जो है अपनी सारी एनर्जी एक प्रकार से पबजी के ऊपर ही लगा रहा है। इतनी भी गेम से वो नहीं होना चाहिए, लोग पागलों की तरह मतलब काफी टाइम खेलते रहते हैं। रसना जैन। वर्तमान समय में एंड्रॉइड फोन में मौजूद गैजेट्स हमारे बच्चों के लिए एक नशा बनते जा रहे हैं, जिसके बिना वह रह नहीं सकते और कोई भी कीमत चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब के मोहाली और खरड़ से सामने आया है, जब पबजी की लत में दो बच्चों ने अपने परिवार के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया। एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो 15 वर्षीय है, जिसने 3 लाख और दूसरा 17 वर्षीय लड़के ने 16 लाख रुपए अपने माता पिता के अकाउंट से पबजी के लिए उड़ा डाले। इसी संबंध में आज प्रकाश टीम पबजी के साइड इफेक्ट्स को मुद्दा बनाकर चंडीगढ़ में लोगों से जानने निकली। चलिए दिखाते हैं आज प्रकाश की ये स्पेशल रिपोर्ट। मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। चंडीगढ़ में पबजी की लत को लेकर दो बच्चों ने अपने माँ बाप के अकाउंट्स को खाली कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, एक 15 साल का बच्चा है और एक 17 साल का बच्चा है, जो मोहाली और खरड़ के निवासी हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के अकाउंट से 19 लाख रुपये पबजी की गेम में लगा दिए हैं। जी हाँ, ये जो पबजी की लत है, इसमें वर्चुअल हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को ख़रीदने में उन बच्चों ने अपने माँ बाप के अकाउंट से 19 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। इसी को लेकर आज हम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर पहुँचे हैं, जहाँ हमने लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है ये गेम को लेकर। रसना जैन, पबजी को बैन कर देना चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं, देखो बच्चों का माइंड डेवलप नहीं हो पाता, बच्चे सिर्फ अग्रेसिवनेस शो करते हैं, तो बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छी गेम नहीं है, इसको तो बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चे जो है पैसे की वेस्टेज करते हैं, उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट उनका माइंड जो है इस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो उस चीज़ को एग्रेसिवनेस से लेते हैं और उनको हर चीज़ बुरी लगती है। अगर कोई पेरेंट्स कुछ कहते भी हैं तो उनको वो चीज़ बुरी लगती है कि शायद वो, जबकि पेरेंट्स उनके भले के लिए बोलते हैं बट उनको अच्छा नहीं लगता, और इसी एग्रेसिवनेस में कुछ भी कर सकते हैं वो, तो इसलिए ये पबजी जो है वो बैन होनी चाहिए। नेचर चेंज हो जाता है, लोनलीनेस फील ज़्यादा करते हैं, अकेला रहना चाहते हैं और उन्हें मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो ये चीज़ मतलब मैं अपने कलीग्स में देख रही हूँ। एक्चुअली मैं, मेरे को तब ज़्यादा पता है, तो मैं बीइंग अ टीचर, मतलब मुझे ये पता है कि टीचर्स जो आपस में बातें बताते हैं कि आज उनके बेटे ने इस तरह से किया, सारी रात वो ऐसे ही खेलता रहता है, और मतलब उनको कोई किसी से मतलब नहीं होता, तो इसलिए पबजी से वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं देखो मिस यूज़ हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन ये है कि अगर पेरेंट्स अपनी निगरानी में उस चीज़ को करवाएं, पेरेंट्स अपना टाइम दें, तो शायद इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कहीं काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो भी कर रहा है, पेरेंट्स की कोई मतलब इस इंटेंशन नहीं है, तो फिर ये पबजी जो है वो सबके लिए, पूरे मैं तो कहती हूँ वर्ल्ड के लिए ही एक बहुत ज़्यादा, कोरोना तो जो खतरा है सो है, लेकिन ये उससे भी बहुत बड़ा खतरा है। थैंक यू मैम। नाम क्या है आपका? कार्तिक शर्मा। कहाँ से हैं? सर अम्बाला से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो बहुत ही ये ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेंटलिटी ख़राब करने वाली चीज़ है। तो मैं भी खेलता था पहले, अब मैंने बंद कर दिया है। मैंने देखा कि कुछ इसमें चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, जैसे चिकन डिनर ही होता है। चिकन डिनर अगर आप एक बार शूट हो जाते हो तो सेकंड टाइम में सोचोगे कि हाँ 101% श्योर अच्छा करना है, तो आप फिर से लग जाओगे। अगर फिर भी आप आउट होते ऐसे ही चलता रहता है जब तक चिकन डिनर ना हो जाए, अगर हो जाए तो फिर सेकंड आउट खेलोगे। तो मतलब जो मेंटेलिटी है वो ज़्यादा ही इसमें अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है कि मैं यार मरा क्यों, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलूँगा, अगला टाइम मैं अच्छा करूँगा, तो ऐसे हो जाता है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है, ये टाइम ऑफ वेस्ट है, कोई इसमें वो नहीं है। अब बच्चा मतलब कोई भी है, चाहे मैं खेलता था तो मेरे को कोई कहता था कि ये काम करते वो काम करते, मैं फ़ोन के अलावा ये सोचता था कि यार नहीं करना, मेरे को चिड़ आने लग जाती है। मतलब बंदा ना दूर होने लग जाता है सबसे, वो उसको बस एक पबजी ही दिखाई देता है और उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ पबजी में ही लगा रहेगा सारा दिन, उसको कोई ना छेड़े, बस खाना मिले खाना भी भूल जाएगा, पबजी ज़रूर खेलेगा। सर बिल्कुल चेंज दिया, क्योंकि मेरे को पबजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। मैं जैसे फ्री होता था, किसी को फ़ोन नहीं करना, जैसे रिलेटिव को कुछ सबको भूल जाता है इंसान, तो फ्री होता है तो पबजी को खोल के बैठ जाता है। अब जैसे फ्री होता हूँ तो जैसे चलो किसी को याद भी कर लेते हैं, जैसे ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है,
तो उसको अब जैसे याद कर ले, तो पहले ये नहीं था, पहले मैं सबको भूल गया था, तो फ़ोन ही दिखाई देता था, एक पबजी ही दिखाई देती थी। मैं प्रिंस शर्मा। कहाँ से आप? सर मैं अम्बाला। सर मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आज का यूथ जो है अपनी सारी एनर्जी एक प्रकार से पबजी के ऊपर ही लगा रहा है। वो अपने मेन इंपॉर्टेंट काम छोड़कर सिर्फ सारा दिन पबजी, एक ही मेन मोटिव रह गया उनका, और इसका जो है फ्यूचर में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो एक प्रकार से नशे की तरह है, जिससे बर्बाद ही होना है। पॉजिटिव में एंजॉयमेंट के लिए, चलो टाइम पास के लिए 5 to 10 मिनट, आधा घंटा अगर कोई एंजॉयमेंट करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए चाहे तो अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे 90% बच्चे सब, आजकल बड़े तक भी, यूथ भी, सिर्फ इसको ही सारा दिन इसी के लिए ही जी रहे हैं, तो वो बड़ी गलत बात है। गलत है वैसे तो, क्योंकि इतनी भी गेम से वो नहीं होना चाहिए। लोग पागलों की तरह मतलब काफ़ी टाइम खेलते रहते हैं, टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से मनी वेस्ट तो है ही है, क्योंकि लोग मतलब अभी पता ही चला है, जैसे आप बता रहे हो केसेस के लिए कि अब 16 लाख रुपए लगा दिए, तो वो हार्ड अर्न मनी है, क्योंकि वैसे तो वेस्ट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके आगे यूज़ होगा, बच्चों के लिए बचा के रखते हैं पेरेंट्स, तो इसीलिए बस। तो अब वही है कि उन्हें बर्बाद तो कर ही रहे हैं पैसे, अब लगा दिए, अब काफ़ी उसे मतलब उन्हें ये है कि अब उन्होंने लगाए हैं, तो न्यूज़ जैसे बढ़ेगी तो लोग आगे कम करेंगे। ऐसा क्या, कहाँ लगा देते हैं पबजी में? पबजी में कोई टूर्नामेंट होता है, क्या होता है ऐसा कि जहाँ वो पैसे भी? पैक्स वगैरह खरीदने के लिए ज़्यादातर, की मतलब वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए, इन्हीं चीज़ों पर यूज़ होते हैं पैसे तो ज़्यादातर। फ़र्क पड़ रहा है हमारे सोशल लाइफ पे, फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग फ़ोनों में लग रहे हैं और बाहर लोग मिल ही नहीं पा रहे एक दूसरे से, एक दूसरे से मिलना ही औखा हो चुका है, कि लोग फ़ोन में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, व्हाट्सएप वगैरह, चैट वगैरह, उन पर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। लापरीत ब्रॉड, ये तो गलत है सब, सही तो कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो गलत है। कैसे? मतलब इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, मतलब ना तो हम किसी के साथ बोलो चल सकते हैं, मतलब अकेले बैठकर कभी भी खेलने, हमारी फैमिली से भी अलग रहते हैं, इसके कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, नहीं तो अपना टाइम ख़राब है। जैसा कि चंडीगढ़ की जनता ने बताया कि पबजी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक तरह का जहर बनता जा रहा है, जो उनके समय के साथ साथ उनके मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ राहुल तिवारी, अर्थप्रकाश न्यूज़, चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।